राम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले मेरे पुत्र याद रखना, भगवान को प्राप्त करना है कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए। बोले कौन सी? बोले विद्या जाति महंत यौवन को मद रूप मद उत्तजे यतन करे संत पांच कोटिये भगति के। विद्या महाराज वेद पढ़ना जानते हो या ना जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन वेदना को जो पढ़ना जानता हो वो संत है। किसी की वेदना को पढ़ना जानता है वो है संत। वेद तो महाराज चार पांच में जो बच्चा पढ़ता है वो भी पढ़ लेगा, उसको सकाद वो भी पढ़ लेगा, लेकिन जो वेदना को समझ जाए वो संत है महाराज। विद्या जाति, जाति का प्रत्याग करना चाहिए महाराज। जाति क्या है आइए सूक्ष्म में चलते हैं महाराज। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चार वर्ण होते हैं, जाति हम आपने बनाई है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? वेद पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, कर्मकांड करना, कर्मकांड कराना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म होते हैं। क्षत्रिय कर्म क्या है? अपने देश, अपने नगर, अपने समाज, अपने गांव की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्म है। वैश्य का कर्म क्या होता है? लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं को जो उपलब्ध कराए वो वैश्य है। लोगों को रोजगार दिलाए वो वैश्य है। शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता है जो सेवक, सेवकाई, जो नौकर, जो काम करता है, जो आपका सेवा करता है वो शूद्र है। अब जातियों में आ जाओ। जातियों को जैसे मोची, मोचियों का काम क्या था पहले? जूते बनाना। आज की तारीख में हर एक जाति की दुकान जूतन चप्पन की खोल रही बिको है, मोची है। नाई का कर्म क्या है? बाल काटना। आज की तारीख में बड़े बड़े घरेने की बहुएं नाऊ बनी फिर रही है। बताओ काम तो मैं ये नहीं कहता हूं काम कोई गलत नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बात ये कह रहा हूं कि आपका कर्म क्या है। काम तो नाऊ का है ना, हर एक जाति के लड़के बाल काटने लगे हैं। मुसलमान काट रहे हैं, कुशवा काट रहे हैं, केवट काट रहे हैं, सभी जाति के लोग। हर जाति का व्यक्ति हर एक काम कर रहा है। हर जाति की मिठिया मिले,
हर जाति के दुकानदार मिले, हर जाति के धोबी मिले। मरकरी खुल गई जिनके केवल धोबी कपड़े धुल रहे, हर जाति के लोग धुल रहे हैं। हर एक जाति का व्यक्ति हर एक काम कर रहा है। इसलिए महाराज जो जिस जाति का काम करे उसकी जाति वही है। महाराज विद्या जाति महंत, महंत मतलब एक पद, जो उस पद का त्याग कर दे वो संत है। और बोले यौवन को मद रूप मद, सुंदरता का जिससे घमंड है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। युवावस्था का जिसे घमंड है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महाराज बोले तजय ये तन करी संत, पांच कोटि भक्ति के इन पांच का त्याग कर दो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। आज महाराज ध्रुव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या करना प्रारंभ की, घनघोर तपस्या की। तीनों लोगों हाहाकार मच गया, सभी भगवान के पास गए, भगवान से बोले प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त के तो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान आए सामने खड़े हो गए, लेकिन महाराज ध्रुव जी महाराज तो अंतर आत्मा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। महाराज उन्होंने नेत्रों को नहीं खोला, भगवान ने उस छवि को निकाल दिया। और जैसे छवि को निकाला नेत्र खुले, सामने भगवान को देखा। महाराज छोटे से बालक बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन महाराज बोल नहीं पाते हैं। इसलिए आज भगवान ने संक लिया, कपोल पर स्पर्श करा दिया। महाराज आज भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु कि नमो राम सुख धाम, नमो जगदीश दयालु, नमो अशेष अलेख, नमो सुर मुनि प्रतिपालम, नमो अनाथ निनाथ, नमो संतन हितकारी, नमो शंभुजीश, नमो निर्गुण गुणधारी, नमो अपार अगार, नमो निरकार निरामय, कि नमो अभेद अछेद, नमो निरखेद निरामय, नमो अजीत अतीत, नमो परमात्म नंदन, नमो निकर्म निभर्म, नमो निज ब्रह्म सुचिन्दम। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं महाराज। वो बड़ी सुंदर स्तुति की। आज भगवान कहते हैं बेटा मांगो, क्या मांगना है? कहने लगे महाराज प्रभु आपके मिलने के पहले तो बहुत कुछ मन था लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। आजकल लोगों को भगवान प्रकट हो जाओ को मांगो क्या मांगने। बोले रुको महाराज अभी हम लिस्ट बना ले हैं, पहला फिर मांगे हैं। एक अम्मा हाथी बूढ़ी अम्मा भोले बाबा की पूजा करवे जाते। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले मांगो माता जी क्या मांगना। बोले महाराज आंखें नैया सो आंखें बन जाए, रोशनी आ जाए महाराज, मोड़ा को ब्याहनी भाव सो मोड़ा को ब्याह हो जाए महाराज, मोड़ा के मोड़ा हो जाए। ओ महाराज पैसा नन्या धन नन्या सो महाराज पैसा। भोले बाबा बोले बोले देखो इतने वरदान तुम नहीं दे सकते, एक वरदान मांग लो। एक वरदान? बोले हाँ। अब मैया देखो कितनी होशियार है। बोले महाराज एक वरदान मांगे? बोले बिल्कुल मांगो। बोले प्रभु हम अपनी इन आंखन से अपने नाती खो सोने के कटोरा में दूध रोटी खाऊ तो देख वो चाहत। हो गया पूरे वरदान। हम अपनी इन आंखन से जब आंखें ही नहीं हती रोशनी कौन से महाराज रोशनी आ गई। बोले अपने नाती को जो लड़का को ब्याह नहीं भाव तो नाती कौन से आ जाए। लड़का को ब्याह होगा और नाती होगा हमारा सोने के कटोरा में दूध रोटी 60 रुपया लीटर है महाराज, धन धन आ गया खूब। ऐसे महाराज आज जैसे महाराज बोले प्रभु मांगो कहा जगत पति देवा उत्सव नश्वर बन तुमरी सेवा। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पुत्र, भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया। बोले बेटा तुम्हें गोदी चाहिए थी ना, गोदी मिल गई और तुम राज्य के लिए आए थे। जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत
जब आप आओगे तो तुम्हारे नाम से ध्रुव लोक बना देंगे और उस ध्रुव लोक में तुम ध्रुव तारा बन के चमकोगे। आज भी ध्रुव तारा बन के ध्रुव जी महाराज चमकते हैं। महाराज बोले ध्रुव जी महाराज की। महाराज यहां जैसे ही पता चला राजा को मेरे पुत्र ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज कि जा पर कृपा राम की होई, कि जा पर कृपा राम की होई, राम की होई रुता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, राम की होई करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई।